Hello everybody, I welcome you again on my channel. And as you can see on the screen, today in this video we will read the chapter The Handed Dresses Part 1 from the book First Flight, which is written by Ellen Easter, the American writer who is renowned in this world for her children's story writing. And as it is seen that through this story she tried to show her regretness because of the discrimination done by the Americans to the Polish people or the immigrants from the other countries. So let's see. As I told you, beta naam chapter ka rahega, The Handed Dresses Part 1. In this video we will complete just the first part, and in the next video we will try to cover the second part. So let's see. Ellen Easter story ke andar jaise humne discuss kiya ki American writer hai, and उसने वहाँ पे बेटा इस तरह का माहौल देखा, ऐसी कंडीशंस देखी जिसके अंदर जो किसी अदर कंट्री से आए हुए जो लोग थे, इमिग्रेंट्स जो भी होते थे, जो दिखने में अमेरिकन जो परमानेंट जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे उनसे डिफरेंट थे, उनके साथ किस तरीके से भेदभाव होता था, पार्शियलिटी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था या फिर इनह्यूमैनिटी जो वहाँ पे होती थी, उसे देखकर वो काफ़ी परेशान होती है. एंड शी ट्राइड टू एक्सप्रेस दैट थिंग इन दिस चैप्टर. How do we judge the people around us? The writer says, how do we judge the people around us? हम लोग अपने आसपास के लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रिकोगनाइज कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं, कि जज कैसे करते हैं कौन आदमी क्या है? बाय देयर मनी, क्या हम लोग उसके मनी के थ्रू, वेल्थ के थ्रू या पजेसेस के थ्रू डिसाइड करते हैं, या फिर और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू, या फिर उसके अलावा कोई और ज़्यादा गहरी, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कोई वैल्यू होती है टू लुक फॉर इन ए पर्सन, उस आदमी को देखने के लिए. तो क्या ऐसा कोई कुछ होता है, किसके थ्रू डिसाइड करते हैं? दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. ये कहानी एक सेंसिटिव अकाउंट है, एक डिटेल है, किसके बारे में, ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल, कि कैसे एक बेचारी छोटी सी लड़की जो थी इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स, उसे जज किया गया उसके क्लासमेट्स के द्वारा कि कौन है, क्या है ये. वांडा पेट्रोंस्की, हुज नेम वाज वांडा पेट्रोंस्की. वांडा पेट्रोंस्की इज ए यंग पॉलिश गर्ल. वांडा पेट्रोंस्की एक छोटी सी एक पोलैंड या पॉलिश गर्ल थी, पोलैंड से आए हुए जो वहाँ के इमिग्रेंट्स थे उनमें से एक थी. हु गोज टू स्कूल, जो कि स्कूल जाती है विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रेन, और अमेरिकन बच्चों के साथ में, इन एन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिकन टाउन के अंदर, किसी भी एक टाउन के अंदर एक लड़की है जो कि पोलैंड से आई हुई है, जिसकी फैमिली और जो लोग वहाँ से यहाँ पे आके सेटल हुए हैं. एंड व्हाट शी फेसेस देयर, वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं. दिस अदर चिल्ड्रन, जो ये और बच्चे हैं ना, सी वांडा, वो वांडा को देखते हैं एज डिफरेंट, उसको अपने इक्वल नहीं मानते, अपने जैसा नहीं मानते. शी दे लुक हर एज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम देम इन मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों से. उसका नाम अलग था, उसका स्किन का कलर अलग था, उनके बोलने का ढंग अलग था. सो देर वर मैनी वेज थ्रू विच दे डिसाइडेड दैट शी वॉज डिफरेंट फ्राम देम. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि उन्होंने कैसे बिहेव किया होगा, कैसे ट्रीट किया होगा उसके साथ में? इफ़ यू वॉन्ट टू नो, गो अहेड. इसमें आगे कह रहा है कि नीचे एक रीड द इन्फॉर्मेशन द बॉक्स बिलो, नीचे बॉक्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. फाइंड आउट मोर अबाउट, अगर आपको चाहिए तो और भी आप डिसाइड करिए, आप फाइंड आउट कर सकते हो अबाउट दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के बारे में कहाँ से. इस आर्टिकल आपको मिल जाएगी एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, और कुछ उसमें से जो है यहाँ पर दी हुई है. द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी, अमेरिका की जो पोलिश, पोलैंड से आए लोगों की जो कम्युनिटी थी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उसके बारे में डिटेल कुछ है यहाँ पर. If you want more, then you can go there. The first Polish immigrants, पहली या पहला कोई भी जो पोलैंड से आया हुआ इमिग्रेंट था,
इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट्स अराइव्ड, पहले जो इमिग्रेंट्स थे वो आए थे, पहुंचे इन अमेरिका, अमेरिका में इन 1608, यानी कि पहली शुरुआत जो हुई थी वो 1608 के अंदर हो गई थी। बट द लार्जेस्ट वेव, सबसे बड़ी एक लहर, एक वेव जो चली लोगों का, जो एक बड़े नंबर में जो एक तरह से वहाँ से यहाँ कर रहने लगे, जो ये मूव जो शुरू हुआ पोलिश इमिग्रेशन का, अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर ज़्यादा देखने को मिला। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पॉल्स, पॉल्स का मतलब ही पॉलिश पीपल है, व्हेन मोर देन 1 मिलियन पॉल्स माइग्रेटेड, बहुत ज़्यादा लोग इतने नंबर में जो लोग थे वो माइग्रेट करते हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर रहने के लिए। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, और कहते हैं कि उस टाइम पे पॉलिश स्टेट जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड, और जो इमिग्रेंट्स थे, जो जो भी इमिग्रेट होकर आ रहे थे वो लोग जो थे, वर आइडेंटिफाइड, उन्हें पहचाना जाता था, दे वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन, कि वो किस कंट्री से यहाँ से आए हैं उस प्लेस के थ्रू, उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता, रेदर देन टू एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब होता है रेदर देन टू देयर कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी, सो किसकी सोसाइटी के अंदर किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, सोशल कम्युनिटी की जो उनकी जो है, उसकी बजाय, उनकी कास्ट वगैरह की बजाय वो लोग उसको इस किस कंट्री से वो लोग आए हैं उसके थ्रू उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, और यही कारण था कि उन्हें क्या किस किस नाम से लोग बुलाते थे, दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, रशिया से आए होंगे तो रशियन पोल्स हो गए, जर्मनी से आए जर्मन पोल्स हो गए, और अगर ऑस्ट्रेलिया से होंगे तो ऑस्ट्रियन पोल्स करके उनको बुलाया जाता था, उनको इस से पहचाना जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज, सबसे ज़्यादा नोटेबल, एक तरह से जो रिमार्केबल वी कैन से, नोटिसेबल हम कह सकते हैं, ऐसे जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ थी उनमें वो एक कहाँ पे थी, इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। सबर्ब्स का मतलब होता है आउटस्कर्ट्स, आउटर एरियाज, जो कि मेन सिटी से बाहर का इलाका होता है, जहाँ पे छोटे मोटे मकान या लोग गरीब लोग रहा करते हैं, दैट टाइप ऑफ प्लेस कैन बी कॉल्ड सबर्ब्स। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड, कि कभी कभी शिकागो को कहा जाता था कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी, दूसरा सबसे बड़ा पोलिश सिटी था वर्ल्ड के अंदर, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो, जो कि अमेरिका सॉरी पोलैंड की जो राजधानी थी वॉर्सो, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सिटी माना गया था। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड, पोलिश अमेरिकन जो थे कभी कभी उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किए जाते थे अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, एज वर द आयरिश, जैसे कि वहाँ पे होता था आयरिश के साथ में, इटालियंस के साथ में, और ज्यूज के साथ में, तो इनके साथ में भी होता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसिस, 2000 के अंदर जो वहाँ पे पॉपुलेशन की जो काउंटिंग हुई उस सेंसिस के दौरान, ये पाया गया दैट इतने नंबर में जो लोग थे, कितने लोग थे, 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 ईयर्स, वो इतने लोग जो कि 5 ईयर या उससे बड़े जो लोग थे, रिपोर्टेड पॉलिस, उन्हें माना गया, रिपोर्ट ऐसा नोटिस किया गया कि वो पॉलिस थे। एज द लैंग्वेज, किसके बेसिस पे डिसाइड किया गया, क्योंकि जो लैंग्वेज उनके द्वारा बोली जाती थी उनके घर पर एट होम, उसके थ्रू ये डिसाइड हुआ कि वो सभी लोग कैसे कौन थे, पॉलिश लोग थे। विच इज़ अबाउट, और जो कि लगभग, विच इज़ अबाउट 1.4%, लगभग 1.4% था ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, यानी कि जो अदर कंट्रीज से आए हुए लोग होंगे, जो इंग्लिश जिनकी मदर टंग नहीं होती थी, अदर कोई लैंग्वेज बोलते थे, उनका 1.4% जो पार्ट था वो पोलिश लोगों का हो चुका था। और या फिर इन अदर वर्ड्स, अगर कोई और बेसिस पे कंपेयर करें तो 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन का 0.25% पोलिश लोगों का हो चुका था। सो इट्स दिस इंफॉर्मेशन शोज दैट देर वॉज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु लिव्ड देयर बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी। एंड हेयर द चैप्टर स्टार्ट्स, यहाँ पे शुरू होता है बेटा, कुछ पार्ट कटा हुआ सा दिख रहा है।
ओके नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर ना, यहाँ से बेटा शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले बेटा इसमें शुरू करने से पहले एक बार करेक्टर्स को ध्यान कर लें कि कौन कौन करेक्टर इसमें मेन लीड रोल में प्रोटेगनिस्ट कौन कौन है यहाँ पे। या तो फर्स्टली वी कैन से द प्रोटेगनिस्ट इज वांडा पेट्रॉन्स्की, जो इसमें लीड रोल में जो मेन करेक्टर है वो है वांडा पेट्रॉन्स्की, हु इज़ अ पोलिश गर्ल, जिसकी पूरी कहानी है, ये वही लड़की है। उसके बाद उसकी क्लासमेट हैं जो कि उसको परेशान किया करती थी, उनको यहाँ पे उनका काफ़ी रोल यहाँ पे है। तो वो कौन कौन है, पैगी एंड मैडलिन, पैगी एंड मैडलिन ये दोनों लड़कियाँ हैं। इनकी टीचर है मिस मैसन, ऐसा कुछ नाम मिलेगा, देखते हैं आगे क्या है। तो इस तरह से ये दो तीन कैरेक्टर ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करने जरूरी है। बाकी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं कि कौन से रूम में उनकी क्लास होती थी, कहाँ पे वो बैठती थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, कितने क्या स्टोरी के टर्निंग पॉइंट्स थे, उनको भी आप लोग अच्छे से फोकस करेंगे। एंड आई विल डिस्क्राइब एवरी कंटेंट ऑफ द चैप्टर इन अ वेरी ईजी एंड क्लियर वे ना, सो वर्क विद मी एंड आई एम श्योर यू विल लर्न एवरी थिंग डेफिनेटली। टुडे मंडे, आज के दिन क्या था, मंडे है। राइटर कहते हैं कि आज मंडे है एंड वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, और वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं है। बट नो बडी, लेकिन कोई नहीं था, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन, यहाँ तक कि पैगी और मेडलिन जो दोनों लड़कियाँ हैं। अब वो दोनों लड़कियाँ कौन हैं, राइटर ने कॉमा लगाया, उसके बाद उसकी रिफ्रेश यहाँ पे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी है। कौन थी वो, द गर्ल्स, वो लड़कियां हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने की सारा मजाक, इसकी शुरुआत जिन्होंने की थी, उसका मजाक उड़ाने की शुरुआत जिन्होंने की थी, वो दोनों लड़कियां जो थी, नॉट इवन दोज गर्ल्स नोटिस्ड हर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट, और अक्सर जो वांडा थी वो बैठा करती थी इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, जो कि लास्ट सीट के साइड में हुआ करती थी, उस सीट पे बैठा करती थी, विच वॉज इन द लास्ट रो, जो कि लास्ट रो में होती थी, इन रूम नंबर 13। उनकी क्लास कहाँ पे होती थी, रूम नंबर 13 में हुआ करती थी। शी सेट इन द कॉर्नर, वो अक्सर कॉर्नर में बैठती थी ऑफ द रूम, रूम के, वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, जहाँ पे वो बॉयज, द रफ बॉयज, वो रफ का मतलब हो गया हु वर नॉट सो सीरियस टू देयर स्टडी, हु डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, हु वर नॉट सो इंटेलिजेंट, हु वर नॉट सो सिविलाइज, हु वर नॉट सो डिसिप्लिन्ड, सो दैट टाइप ऑफ क्वालिटीज मेड दैम रफ, इसलिए राइटर ने उसको रफ करके बोल दिया। वेयर द रफ बॉयज, जहाँ पे वो रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लाया करते थे, सेट बैठा करते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम का वो कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर, वेयर देर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कफलिंग हुआ करती थी। स्कफलिंग का मतलब हो गया कि जो पैरों की एक तरह से मूविंग करने से, मूवमेंट से या ड्रैगिंग से, जो भी फर्श पे आवाज़ होती है, रगड़ने की, रबिंग की जो साउंड होती है, जो सबसे ज़्यादा वहाँ से, जिस कॉर्नर से आती थी वो कॉर्नर, और मोस्ट रॉर्स ऑफ लाफ्टर, और सबसे ज़्यादा तेज हंसने की जो आवाज़ जहाँ से होती थी, व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, बहुत चीज़ इंटेलिज एक तरह से इम्पोर्टेंट कोई बात बताई जा रही होती थी तो कोई ध्यान ना दे, लेकिन अगर किसी ने कोई हंसी की बात बोल दी हो, कोई फनी कोई बात कही गई हो, इन दैट केस वहाँ उसी कॉर्नर से सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ जरूर आया करती थी। एंड मोस्ट मड, और सबसे ज़्यादा कीचड़ एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, जहाँ सबसे ज़्यादा कीचड़ और धूल मिट्टी में हुआ करते थी, रूम के उस कॉर्नर से, या वहाँ उस कॉर्नर पे वो बैठा करते थे। वांडा डिड नॉट सिट देयर, वांडा वहाँ पे नहीं बैठी थी, बिकॉज इस कारण से, क्योंकि शी वॉज रफ एंड नॉइसी, वो इसलिए नहीं बैठी कि वो भी रफ और नॉइजी थी, वो भी एक तरह से उन बॉयज़ की तरीके से रफ और नॉइजी, बहुत शोर करने वाली थी। दैट वॉज नॉट द रीज़न ना दैट शी सिट देयर, ऑन द कंट्रेरी, बल्कि उसके अपोजिट, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत ज़्यादा शांत रहने वाली थी, शी वॉज वेरी काम एंड पीसफुल एंड रेयरली सेड एनी थिंग, और कभी ही कुछ कहा करती थी, बोला करती थी, एनी थिंग एट ऑल, एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी भी किसी ने उसको तेज हंसते हुए नहीं सुना था।
समटाइम्स शी विजिट सी ट्विस्टेड हर माउथ, कभी कभी वो अपने मुंह को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया करती थी, टेढ़ा कर लेती थी, इन टू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, एक थोड़ी सी वियर्ड, एक अजीब सी, एक स्ट्रेंज सी. क्रूक्ड का मतलब कह सकते हैं वियर्ड, कहते हैं अजीब, अजीब कह सकते हो. अगर आप इसका जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, वेड वर्ड जो है इसका, इसकी स्पेलिंग होती है WEARED. वेड का मतलब होता है स्ट्रेंज, एक अजीब, एक ऑकवर्ड सिचुएशन ना, तो एक अजीब सी फॉर्म के अंदर सॉर्ट ऑफ स्माइल, एक अजीब सी ऐसी कोई मुस्कुराहट जो कि दिखने में कुछ अटकर या अलग दिखती थी, बट दैट वॉज ऑल, लेकिन बस इतना ही होता था, वो केवल मुस्कुरा भर देती थी अजीब से तरीके से, बट कभी भी उसने तेज आवाज में हंसा नहीं. नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन द सीट, वास्तव में कोई नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन साइट्स. अनलेस, क्या पता कि शायद इट वॉज बिकॉज, ये इस कारण से हो कि शी केम ऑल द वे, कि वो हमेशा आया करती थी फ्रॉम बॉगिन साइट्स. बॉगिन साइट्स वो एरिया था जहाँ पे वो रहा करते थे, एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और शायद क्योंकि वहाँ से आने के कारण से उसके पैर जो थे वो हमेशा यूजुअली केक्ड, केक्ड का मतलब कवर्ड, सने होते थे, किससे, विद ड्राई मड, सूखे कीचड़ से. वो एरिया काफ़ी मडी था, गंदा होता था, वहाँ से आती थी पैरों में कीचड़ लग जाता था, और जहाँ तक आते आते स्कूल तक वो सूख जाया करता था, और अक्सर वो वहाँ से इस कंडीशन में आया करती, शायद वो इसलिए वहाँ चली जाती होगी. बट नो वन रियली थॉट, लेकिन वास्तव में किसी ने नहीं सोचा मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स की, वांडा पेट्रोन्स के बारे में ज़्यादा किसी ने सोचा नहीं कि बेचारी वहाँ पर बैठती, क्योंकि यही कारण है, कुछ और तो नहीं है. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब एक बार वो वहाँ पर बैठ गई तो उसके बाद किसी ने कुछ नहीं सोचा कि वो वहाँ पर क्यों बैठी. द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वांडा, कि वो समय जब उन्होंने वांडा के बारे में सोचा, वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, वो कब का था, वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, वो स्कूल आवर्स के बाहर का जो समय होता था उस टाइम पे वो उसके बारे में सोचते थे. एट नून टाइम, दोपहर के टाइम पे, व्हेन दे वर कमिंग बैक, जब वो वापस जा रहे होते थे टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली, या तो स्कूल वापस जा रहे हों या फिर, और इन द मॉर्निंग, या फिर सुबह के टाइम पे अर्ली, बहुत जल्दी, बिफोर स्कूल बिगन, इससे पहले कि स्कूल ओवर हो उस टाइम पे, सॉरी स्कूल बिगिंस, बिगन शुरू हो उस टाइम पे. व्हेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री, जब दो या तीन के जो ग्रुप हुआ करते थे उसके अंदर, और इवन मोर, या उससे ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग, वो बातें कर रहे होते थे, एंड लाफिंग, और हंस रहे होते थे, ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड, अपने स्कूल यार्ड, स्कूल के रास्ते जो आंगन था उसकी तरफ, रास्ते के में चलते टाइम पे, जब उसके बारे में या कोई किसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे हों या हंस रहे होते थे, दैट वॉज द टाइम वेन दे रिमेंबर वांडा. देन तभी, समटाइम्स, कभी कभी, दे वेटेड फॉर वांडा, वो वांडा के लिए वेट करते थे, टू हैव फन विद हर, और उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या होता था उसका, ऐसा नहीं कि चलो उनकी फ्रेंड, उनकी क्लासमेट है, चलो उसको साथ ले लेते हैं, नो दैट वॉज नॉट द रीज़न, बट टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ कुछ मचा करने के लिए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मंडे को किसी ने देखा, अब ट्यूजडे का टाइम आ गया, द नेक्स्ट डे ट्यूजडे, वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा अपने स्कूल में आज भी नहीं है ईदर एज बिफोर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एबसेंस अगेन, और फिर से किसी ने उसकी एबसेंस को नोटिस नहीं किया. इट मीन्स इट, दिस थिंग शोज दैट नोबडी वॉज अटैच्ड विद हर, देर वॉज नो एनी फ्रेंड ऑफ हर इन दैट क्लास रूम. बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे के दिन, पैगी एंड मैडी जो दोनों थी, हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, हु सैट डाउन, जब वो वहाँ पर बैठती है फ्रंट साइड में विद अदर चिल्ड्रन, और बच्चों के साथ में, कौन, हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स लाते थे, एंड डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जब उन्होंने पाया कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ जो मड है वो वहाँ पे उन्हें मिला नहीं, दिखाई नहीं दिया, डिड नोटिस दैट, तभी उन्होंने नोटिस किया दैट वांडा वॉज नॉट देयर, कि वांडा वहाँ पे नहीं है. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और पैगी जो थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी
उस स्कूल के अंदर शी वॉज प्रिटी, शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत से सुंदर कपड़े थे एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल जो थे वो घुंघराले थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो थी जिसको मैडलिन बोल रहे थे हम लोग, उसका शॉर्ट नेम है बेटा मैडी करके बोल रहा उसको, एंड तो आप उसको अलग अलग मत. तो कहा उसने कि मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एबसेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. और उन्हें उसका कारण कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को नोटिस किया, उसकी एबसेंस को, वो कारण क्या था, दैट शी हैड मेड देम लेट टू स्कूल, उन्होंने या उसने वांडा ने उसको उनके स्कूल के लिए लेट कर दिया था. दे हैड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया एंड एंड वेटेड फॉर वांडा, और इंतजार किया टू हैव सम फन विद हर, ताकि वो उसके साथ कुछ मजाक उड़ा सकें, कुछ मजाक उसके साथ कर सकें. एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो अभी तक वो आई नहीं. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडाज पेट्रंस के, वो अक्सर इंतजार करते थे वांडा पेट्रंस की का टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए. वांडा पेट्रंस की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. वांडा पेट्रंस की ये जो नाम दिया गया, यानी कि ऐसा जो नाम था, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13, रूम नंबर 13 में ज़्यादातर जो बच्चे थे, डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, उनके ऐसे नाम नहीं थे जैसा कि ये नाम था. दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम जो थे वो ऐसे थे जो कि बोलने में बहुत ही आसान थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, उनमें केवल एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, बाउंस, विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग मानते थे कि सोचते थे कि ये बड़ा ही फनी नेम है. बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स की वॉज, लेकिन उस तरीके से उतना फनी नहीं था जितना कि पेट्रॉन्स की था. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन, वो अक्सर अकेली स्कूल में आती थी. एंड वेंट होम अलोन, और अक्सर अकेले ही घर चली जाया करती थी. Okay, she always home alone. She always wore a faded blue dress. वो अक्सर पहना करते थे. She always wore a faded blue dress. एक जिसका कलर जो था काफ़ी लाइट हो चुका था, फेड हो चुका था, ऐसी ब्लू ड्रेस पहनती थी. That did not hang right. Hang right का मतलब होता है बेटा which was not fit to her body, which was not according to her body, जो उसके बॉडी के शेप में नहीं था. ठीक है, अच्छे से जो टंगता ना हो, हैंग का मतलब टंग ना हो गया, राइट का मतलब इन प्रॉपर वे, जो अच्छे से उसके बॉडी पे सेट ना होता हो, ऐसी वो ड्रेस पहनते थे. इट वॉज क्लीन, हालांकि ये साफ होती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वैसी दिखती थी. इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन, कि इसे कभी भी आयरन ना किया गया हो, इसे कभी भी प्रेस ना की गई हो. She didn't have any friends. उसके कोई दोस्त नहीं थे. But a lot of girls talked to her. लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ जो थी वो उससे बातें जरूर किया करती थी. दोस्त को ही नहीं थी लेकिन बातें करने वाले बहुत थे. Sometimes वो भी उसका मजाक उड़ाने वाले. Sometimes कभी कभी they surrounded her in the school. उन्होंने उसे एक बार उसे स्कूल में घेर लिया, स्कूल यार्ड में. एज शी स्टूड, जब वो खड़ी थी, एक बार क्या हुआ कि वो खड़ी थी एंड शी वॉज वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स, और वो छोटी लड़कियों को देख रही थी प्ले हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच गेम को खेलते हुए. बेटा हॉपस्कॉच गेम वो होता है जिसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे करके जो कुछ बॉक्स बना लेते हैं और उनके अंदर फिर एक पैर से जंप करते हैं, एक पैर को रखते हुए फ्लोर पे, ग्राउंड पे, और फिर उसमें से एक को छोड़ते हैं किसी में, कैसे करके जो होता है ना, उस टाइप का जो गेम होता है उसको बोलते हैं हॉपस्कॉच. तो वो इस तरह से, वो जब वो गेम खेल रही थी छोटी लड़कियां, तो व्हेन शी वाज लुकिंग देम एंड, तो तभी क्या हुआ कि कुछ लड़कियों ने उन्हें उसे घेर लिया. ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, उस
वॉन का मतलब जहाँ पे काफ़ी रफली रफ वो ऐसा हार्ड ग्राउंड जो था उसके ऊपर जब वो खेल रही थी एट दैट टाइम। वांडा और पैगी वुड से, और पैगी ने कहा, क्या कहा वांडा, कैसे बोला, इन ए मोस्ट कॉर्टियस मैनर, सबसे ज़्यादा शिष्टता के साथ, एक पोलाइटनेस के साथ में, उस तरीके से अंदाज से कहा वांडा, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। मिस मैसन ये उनकी टीचर का नाम है, तो जैसे कि वो अपने टीचर से बात करती हो ना, इतना रिस्पेक्ट देते हुए उन्होंने वांडा ऐसे करके उसको बोला, उसका नाम लेकर उसे कॉल किया वांडा शिवड से। और वो कहती थी वांडा, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए ए नज, NUDGE, इसका मतलब होता है टू पॉक समवन, किसी को हिलाना, किसी को पुश करना, जेंटल पुशेस में लिखा हुआ देखो, किसी को कोहनी मारना इस तरीके से, ताकि एक इंडिकेशन देने, देखना अब ये क्या बोलती है, मैं इसका मजाक उड़ाती हूँ एंड देन यू कैन सी व्हाट हैपेंस हियर। हाँ, तो ऐसा करके उसने उसको पुश किया। टेल अस, हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड, कि हाउ मैनी ड्रेसेस, कितनी ड्रेसें, डिड यू से यू हैड, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, जो कि टंगी हुई है तुम्हारी क्लोजेट के अंदर, कितनी बताई थी तुमने, प्लीज फिर से बताना। ये पिक्चर है बेटा देखो, उसमें ये वांडा की पिक्चर है जो यहाँ पे खड़ी है, और ये तीनों, ये और जो गर्ल्स हैं वो हैं जो उसका मजाक उड़ा रही हैं। ए हंड्रेड, और उसने आंसर क्या दिया, उसने आंसर दिया ए हंड्रेड, कि 100 वांडा वुड से, और वांडा कह देती थी ए हंड्रेड, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, सभी जो छोटी लड़कियां थी वो सब सरप्राइज करती हैं, एक्सक्लेम करती है इनक्रेडुलसली। इनक्रेडुलसली का मतलब होता है हैविंग ए फीलिंग विच शोज दैट दे वर नॉट बिलीविंग दैट दैट थिंग, है ना, मिसट्रस्टफुल कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो, मिसट्रस्टफुल, अगर आप उसका मीनिंग नोट करना चाहो तो क्या कह सकते हो, इस वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, मिसट्रस्टफुल। बेटा देख, ट्राई करता हूँ एक बार मैं लिखने की, इसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू, वैसे बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, मिसट्रस्टफुल, इसको MISTRUSTFUL, ठीक है, इसका मतलब जिसमें जिसमें किसी को ट्रस्ट ना हो, विश्वास ना हो, उस अंदाज से, उस तरह की फीलिंग के साथ उन्होंने उस पे उन्होंने सरप्राइज किया। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और जो वो छोटी छोटी लड़कियां जो थी वो रोक दिया करती थी खेलना उनका हॉपस्कॉच, एंड स्टार्टेड लिसनिंग, और उसको सुनना, उनकी बातें सुनना शुरू कर देते थे। या आई ए हंड्रेड, की यस आई हैव अ हंड्रेड ड्रेसेस ऑल लाइन अप, और उसे भी एक लाइन में लगा रखी हैं, सेड वांडा, वांडा ने कहा। देन हर थिन लिप्स, उसके बाद उसके पतले होंठ जो थे, ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, एक दूसरे के साथ, ड्रू का मतलब खींचना होता है, टुगेदर का मतलब साथ में, यानी कि आपस में जोड़ दिए जाते थे, टच कर दिए जाते थे इन साइलेंस, या साइलेंस के अंदर चुप होते हुए, यानी कि अपने होठों को बंद कर लेती थी। व्हाट आर दे लाइक, वो कैसी दिखती हैं, व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क, क्या वो सारी सिल्क की हैं, आई बैट, मुझे आई बैट, सेड पैगी, कि ऑल सिल्क, सभी सिल्क की होंगी, मैं इस बात की शर्त लगा सकती हूँ, आई कैन बैट फॉर दैट थिंग, आई एम श्योर फॉर दैट थिंग दैट ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ सिल्क, सेड पैगी, पैगी ने कहा। या ऑल सिल्क, अब उसमें कह देती कि हाँ सारी सिल्क की हैं, ऑल कलर्स, सभी कलर्स की हैं, वेलवेट, वेलवेट टू, वेलवेट भी है उसमें, यस या वेलवेट टू, ए हंड्रेड ड्रेसेस, एक हंड्रेड ड्रेसेस हैं, अ हंड्रेड ड्रेसेस। वांडा वुड रिपीट्स स्टॉलिडली, ओके, स्टॉलिडली का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी ज़्यादा दिमाग ना, सेंसिबिलिटी ना शो करते हुए, शोविंग नॉट सो सेंसिबिलिटी, बिना ज़्यादा इमोशंस को शो किए, बिना समझ को शो किए, डल तरीके से, वैसे किसी चीज़ को बोल देना, उसको बोलते हैं स्टॉलिडली।
ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी जो है मेरी क्लोजेट में लाइन से रखी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, तब उसके बाद उसे वहाँ से जाने देते, वो वहाँ से चल पड़ती थी। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर गई होती, ज़्यादा दूर जाने से पहले ही, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इन टू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। दे कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प का मतलब है, कुडंट हेल्प का मतलब होता है दे कुड नॉट कंट्रोल, अपनी हंसी को वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। किस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते थे? बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मतलब एकदम से किसी चीज़ का फूट पड़ना, शुरुआत होना। इनटू श्रिक्स, एकदम से सारे वो लोग क्या करते थे, चिल्लाना शुरू करते थे। बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स का मतलब चीखना, ए आउट क्राई वी कैन से, या लाउड क्राई कह सकते हो, तेज चिल्लाने की आवाज़। एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और हंसी की लाउड साउंड जो थी, तेज आवाज़ जो थी। पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब तेज ठहाके जो होते हैं, तेज आवाज़ जो रिपीटेडली बार बार हंसना जो होता है, दैट कैन बी कॉल्ड पील्स ऑफ लाफ्टर। तो इस तरीके से जब वो हंसना शुरू करते एकदम से अचानक से बहुत तेज आवाज़ में, वो कब शुरू करते, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होती थी उस टाइम पे ऐसा वो कर देते थे। ए हैंड्री ड्रेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज, और किस तरीके से क्या उनकी कमेंट होती हुआ करती थी, ए हैंड्री ड्रेस, हैंड्री ड्रेस बोल रही है, ऑब्वियसली वास्तव में द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन, अकेली एक ड्रेस के पास जो है वो केवल वो ब्लू वन है, शी वो रैबिट, जो कि वो हर दिन पहना करती है। सो व्हाई डिड शी हैड हैंड्रेड, ए हैंड्रेड, तो फिर वो क्यों कहती है कि उसके पास एक हैंड्रेड ड्रेसेज हैं। व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी है। देखो, हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, फिर उससे पूछते कि हाउ मैनी शूज, आपके पास शूज कितने हैं, डिड यू से, जो कि आपने बताया था यू हैड, जो तुम्हारे पास हैं, कि तुमने कितने शूज बताए तुम्हारे पास जो हैं, वो कितने बताए थे, 60 pairs। अब आंसर होता 60 pairs ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और वो भी मेरी क्लोजेट के अंदर एक लाइन से रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस, और एक चिल्लाने की आवाज़, एग्जेजरेटेड मतलब कि जो कि डेलिब्रेटली किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाए, इंक्रीज्ड वे के अंदर पोलाइटनेस, ऐसी पोलाइटनेस के साथ में ग्रीटेड दिस, इस चीज़ का स्वागत होता। ऑल अलाइक, है ना, सभी एक जैसी होंगी, ऐसा ना, ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, अरे नहीं, हर पेयर जो है वो वहाँ पे अलग है। ऑल कलर्स, सभी कलर्स में है। ऑल लाइंड अप, और वो सभी भी ऐसे ही रखे हुए हैं। पैगी, पैगी बोलती, पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने कि इस गेम के बारे में सोचा था, जिसने इसको प्लान की, जिसने इसको शुरुआत की थी। एंड मैडी, और उसकी फ्रेंड मैडी जो थी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, उससे कभी अलग ना की जा सके ऐसी उसकी दोस्त, वर ऑलवेज, वो हमेशा ही द लास्ट टू लीव, अक्सर सबसे आखिर में वहाँ से जाने वाले होते, वो आखिर तक उसका मजाक उड़ाते रहते थे। फाइनली, आखिरकार वांडा वुड मूव अप, आखिरकार वांडा वहाँ से चल पड़ती थी द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट की तरफ, देयर सॉरी हर आइज डल, उसकी आंखें जो थी काफ़ी निराश, एंड हर माउथ, उसका चेहरा जो था क्लोज्ड, जो कि बिल्कुल चुप रहता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, और जो कि बार बार, हिचिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक मिनट, हिचिंग जो वर्ड है ये बिल्कुल यहाँ पे है बेटा, इसका मीनिंग होता है टू लिफ्ट समथिंग, किसी चीज़ को उठाना, है ना, टू ड्रॉ और टू पुल समथिंग, ऐसा कह सकते हो, है, इसका मतलब क्या हो गया कि हिचिंग जो वर्ड है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, टू ड्रॉ और टू पुल समथिंग, जो कि अपने कंधे को बार बार उसको ऊपर की तरफ खींचती रहती थी, अपने शोल्डर को, ए सडन पुल कह सकते हो, या फिर क्या कहें इसको, ए सडन पुल, अचानक से किसी चीज़ को खींचना। तो इस तरीके से झटके से लगने, या ऊपर उसका कंधा जो था वो ऊपर उठने लगता अपने आप से, झटके से लगने लग जाते थे, एज हर लेफ्ट शोल्डर, उसके सॉरी उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर एवरी नाउ एंड देन, बार बार ऐसा रिपीटेडली होने लगता, इन द फनी वे, एक बहुत ही अजीब तरीके से, शी हैड।
जो कि अक्सर उसे हुआ करता था. फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और उसके बाद अपनी रास्ते को कंप्लीट करती थी, घर वापस जाती थी अकेले में. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. वास्तव में देखें तो कहते कि पैगी जो थी वो क्रूअल नहीं थी, निर्दयी नहीं थी. शी वॉज नॉट सो अनकाइंड. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस. और वो कहते हैं कि वो हमेशा छोटे बच्चों को बचाया करती थी. किससे बचाया करती थी? फ्रॉम बुलिस का मतलब होता है, जो इसका मतलब हो गया जो कि इंसल्टिंग पीपल जो होते हैं ना, इंसोलेंट कह सकते हो. एक वर्ड होता है इंसोलेंट्स, INSOLENTS. और इंसोलेंट्स का मतलब होता है जो कि इंसल्टिंग मैनर में दूसरों को परेशान करते हों, किसी के साथ झगड़ा करते हों, किसी को चिढ़ाते हों, इस तरह की जो हरकत करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके लिए हम कह सकते हैं वेरी क्रूअल और क्रूएलसम पर्सन्स कैन बी कॉल्ड बुलीज, और या फिर इंसोलेंट्स, दोनों में से किसी को यूज करो. तो ऐसे जो लोग थे उनसे उनको बचाया करती थी. इस डिस्कस करते हैं. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स. और वो घंटों तक फिर रोया करते थे. कहते कि घंटों तक वो रोने लग जाती थी. इफ शी सॉ, अगर उसने कभी देखा एन एनिमल, किसी भी जानवर को मिसट्रीटेड, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हुए किसी जानवर के साथ देखा गया, तो उसको इतना दुख होता था कि वो रोने लगती थी और घंटों तक रोते थे, उसको इतना दुख हुआ करता था. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर किसी ने उसे कह दिया, क्या कह दिया? इफ एनीबडी said to her, कहाँ गुम हो गया? Teaching school alone. Okay, if she हो गया. If anybody had said to her, अगर किसी ने उसे कह दिया हो, don't you think that is a cruel way to treat Wanda? अगर उससे किसी ने कहा कि don't you think, क्या आप नहीं सोचते, that is a cruel way, ये बहुत ही एक गलत तरीका है एक to treat Wanda, Wanda के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये निर्दयतापूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए. She would have been very surprised. वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य करती उसके ऊपर. क्रूअल, क्या ये क्रूएल्टी है? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड ए हैंडेड ड्रेसेस. वो क्यों कहती, वो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास हैंडेड ड्रेसेस हैं? क्यों कहती है बताओ? एनीबडी कुड टेल दैट वॉज ए लाई. कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है. Why did she want to lie? वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? And she was not just an ordinary person. और दूसरा, वो कोई साधारण एक ordinary person नहीं. Ordinary means as she doesn't look or behave like the other Americans, जो कि वहाँ के permanent जो रहने वाले जो लोग हैं, जो other किसी country से नहीं आए हैं, तो उनकी उनकी तरह से भी नहीं है. वो उनसे भी हटकर बाकी लोगों से अलग है. She is really different from ordinary people. Else, फिर भी, why did she have a name like that? और फिर भी उसका नाम जो है ऐसा क्यों है? भाई चलो दिखती अलग है, लेकिन उसका नाम भी इतना अलग क्यों है, ऐसा डिफरेंट क्यों है? Anyway, चलो जो भी हो, फिर अगर ऐसा करती है तो फिर भी they never made her cry. फिर भी उन्होंने उसे रुलाया नहीं है. देखो, as for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats. As for Maddie, अगर Maddie की बात करें, this business of asking, ये जो काम था, कौन सा? Asking Wanda, Wanda से हर दिन पूछना, कहना, how many dresses, कि कितनी dresses हैं, and how many hats, कितने hats हैं, है ना? तो ये पूछना, and how many, this and that, ये चीज़ कितनी है, वो कितनी है, she had, was bothering her, वो Maddie के लिए परेशान करने वाले थे. बॉदरिंग का मतलब मेकिंग समवन अनकंफर्टेबल, नॉट सो हैप्पी. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ. मैडी खुद में ही खुद भी एक गरीब थी, पुअर थी. शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स. वो अक्सर शी यूजुअली वोर, वो पहना करती थी
somebody's, किसी के, हैंड मी डाउन का मतलब किसी से किसी को पास कर दिए गए, किसी को दे दिए गए वो कपड़े, वो क्लॉथ्स. हैंड डाउन जो बिट ऑफ वर्डिंग है इसका मतलब होता है टू पास ऑन समथिंग और टू गिव समथिंग टू अदर्स विच आर नॉट सो यूजफुल टू दैट पर्सन. उस आदमी को अब वो काम के ना रहे हों, कपड़े हैं तो छोटे हो गए हों उसके काम में ना आ सकें, वो किसी और को दे देना, उसको बोलते हैं हैंड डाउन. तो यहाँ पे हैंड मी डाउन क्लोथ्स, ऐसे वो कपड़े जो उसको दे दिए जाते थे उन कपड़ों को अक्सर वो पहना करते थे. थैंक गॉडनेस, शुक्र था भगवान का, शी डिडंट लिव अप ऑन, वो रहती नहीं थी, कहाँ रहती थी, बॉगिंस हाइट्स पे जहाँ पे वांडा पैटर्न्स की रहती है, जो गरीब जहाँ पे लोग रहते हैं उस कम्युनिटी से, वहाँ पे वो नहीं. और हैव ए फनी नेम, और ना ही उसका फनी फनी नेम था, उसका अजीब नाम भी नहीं था, वो भी ठीक था कुछ कुल मिला के. समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा, जब कभी कभी जब पैगी वांडा से पूछ रही होती थी दोज क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को, इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, उस मॉकिंग का मतलब मजाक उड़ाते हुए, पोलाइट का मतलब होते पोलाइट पोलाइट आवाज़ के अंदर, एक मजाक से भरी पोलाइट आवाज़ में जब वो किसी से पूछ रही होती थी, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड, मैडी काफ़ी, एम्ब्रेस्ड का मतलब अशेम्ड, काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती थी. एंड स्टडीड द मार्बल्स, और वो अक्सर मार्बल्स को देखती रहती थी, इन द पाम, उसकी हथेली में लिए हुए, ऑफ हर हैंड, उसके हाथ में, रोलिंग देम अराउंड, उन्हें इधर उधर रोल करते हुए, एंड सेइंग नथिंग, और कुछ भी ना कहते हुए, हर सेल्फ, खुद से कुछ ना कहते हुए, यानी कि वो खुद कुछ नहीं बोलती थी, जस्ट वो उसके साइड में खड़ी रहती थी, बोलने का काम वो करती थी, चिढ़ाने का काम वो किया करती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, और इसका कारण ये नहीं था कि वो वांडा के लिए दुखी थी. Exactly, she would never have paid any attention. वास्तव में देखिए तो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था any attention to Wanda, Wanda की तरफ. If Peggy had not invented, कि अगर Peggy ने इस ड्रेस गेम को invent ना किया होता तो शायद उसने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया होता Wanda की तरफ. But, लेकिन, suppose Peggy and all the others started in on her next, लेकिन ये सोचते तो उसका कारण क्या था, लेकिन कारण ये था, बट सपोज पैगी इन ऑल, कि पैगी और जो ऑल अदर स्टूडेंट जो भी हैं उसके क्लासमेट्स जो हैं, स्टार्टेड इन, कि कहीं वो शुरुआत ना कर दें परेशान करने की, इंसल्ट करने की, ऑन हर, उसे, नेक्स्ट, इसके बाद, यानी कि उससे ये अब ये डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको छोड़ दें, इसको बंद करवा दें, इसकी परेशानी इसको ख़त्म करवा दें, तो कहीं उसको तो उसका टर्न तो नहीं आ जाएगा, उसको तो लोग चिढ़ाने शुरू नहीं कर देंगे. शी वॉज नॉट, इसलिए वो इस बात से दूरी बना के रखती थी, इसलिए वो उनको उसको नहीं चिढ़ाया करती, इसलिए वो चुप रहा करती थी. शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, हालांकि वो उस वांडा की तरह से इतनी ज़्यादा गरीब तो नहीं थी, परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब जरूर थी. ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस, हाँ वास्तव में उसके अंदर ज़्यादा समझ थी, देन टू से कहने के लिए दैट शी हैड ए हंड्रेड ड्रेसेस, ये बात कहने के बजाय उसके अंदर ज़्यादा समझ थी, वो ऐसा नहीं कहती थी कि मुझे मेरे पास भी 100 ड्रेसेस हैं, ये ज़्यादा एक तरह से पागलपन को शो कर रहा था. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम, लेकिन फिर भी, स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी कि वो उसके साथ इस चीज़ों को शुरू रखें, उसके साथ उसका मजाक उड़ाते रहें. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पैट्रॉन्स की, वो चाहती थी कि पैगी जो है वो रोक दे वांडा पैट्रॉन्स की को परेशान करना, टीजिंग उसको रोक दे. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, हालांकि आज वो लेट हो चुके थे स्कूल के अंदर, मैडी वॉज ग्लैड, मैडी बहुत खुश थी, शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, और मैडी इसलिए खुश थी कि आज उन्होंने वांडा का कोई मजाक नहीं उड़ाया था. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एबसेंट माइंडेडली, और उसने अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्व किया एबसेंट माइंडेडली, क्योंकि दिमाग में कुछ और बातें चली थी, आज वो खुश थी कि आज उसकी उसने किसी का किसी की इंसल्ट नहीं की थी या कुछ और बातें जो भी थी, लेकिन एबसेंट माइंडेडली उसने अपने अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. कैसे कर रही है, 8 times 8 कि इतनी छोटी सी एक कैलकुलेशन उसको भी बोल कर ऐसे करके उसको किया जा रहा है, तो इसलिए उसने शायद ऐसा बोला क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही थी. लेट्स सी, अब हम लोग देखते हैं. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट. She wished, उसने विश किया कि काश
शी हैड द नर्व, उसके अंदर इतनी करेज होती, नर्व का मतलब करेज कह सकते हो, हिम्मत होती, किस बात की, टू राइट पैगी, कि वो पैगी के लिए एक नोट लिखे, नोट लिखने की, या नर्व का मतलब यहाँ पे बेटा ये भी कह सकते हैं कि उसकी एक इच्छा थी कि वो उसको एक नोट लिखे, बिकॉज क्योंकि शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी, शी नेवर वुड हैव द करेज, कि उसके अंदर करेज नहीं होगी, इस इतनी हिम्मत नहीं होगी टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि वो सीधे से उसको बोल दे, टू से उसे कहे, हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेस शी हैज़, आओ हम लोग इस चीज़ को रोक दें कि उसे वांडा से पूछे कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, और जब उसने अपने अर्थमेटिक सोल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, शी डिड स्टार्ट, तब उसने शुरू किया ए नोट टू पैगी, उसने एक नोट जो था पैगी को लिखने के लिए शुरू किया। सडनली शी पॉज, अचानक से वो रुक जाती है, एंड शडर्ड, शडर्ड का मतलब होता है शिवरिंग, कांप उठना, डर से कांप उठना। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने इमेजिन किया अपने आप को, कि जैसे कि उसने देखा, एक तस्वीर देखी कि वो अपने स्कूल यार्ड में खड़ी है, ए न्यू टारगेट फॉर पैगी, और जो कि अब एक नया टारगेट बन चुकी है पैगी के लिए एंड द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए, और लड़कियों के लिए। पैगी माइट आस्क हर, और शायद पैगी उससे कह रही हो, पूछ रही हो, वेयर शी गॉट द ड्रेस, उसने ये ड्रेस कहाँ से ली, दैट शी हैड ऑन, जो कि उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को कहना, बट इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, ये पैगी की ही कोई पुरानी है, दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड, जिसको कि मैडी के मदर ने कोशिश की है टू डिस्गाइज, इसका अपीयरेंस चेंज करने की, विद न्यू ट्रिमिंग्स, इसके साथ में कुछ नई न्यू ट्रिमिंग्स, ट्रिमिंग्स का झालर वगैरह जो को छोटे कपड़े या किसी चीज़ की डिजाइनिंग जो होती है उसे कट करके लगा दी जाती है, सो वी कैन कॉल दैट ट्रिमिंग्स। सो नो वन इन रूम, ताकि कोई भी जो रूम नंबर 13 के अंदर है वुड रिकोगनाइज इट, उसको पहचान सके, ताकि उसे कोई पहचान ना सके। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड, ये यानी कि ये ऐसा होगा तो इस बात के कारण उसने उस चीज़ को रोक दिया, और वो कांप उठती है उस बात से, डर कर, सोच कर डर जाती है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड, अगर केवल पैगी डिसाइड करे ऑफ हर ऑन अकॉर्ड, अपने आप से ही, टू स्टॉप हैविंग फन, कि वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, तभी केवल ये पॉसिबल था। ओह वेल, चलो जो भी है। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, मैडी ने अपना हाथ जो था वो चलाया, रेल का मतलब दौड़ाया, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने अपना हाथ जो था, अपनी उंगलियाँ जो थी वो उसने घुमाई, थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, उसके जो छोटे, ब्लॉन्ड का मतलब होता है लाइट गोल्डन, वी कैन से सुनहरे जो बाल थे उनके अंदर, एज दो जैसे कि टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, जो उसके परेशानियों भरे, जो उसके थॉट्स थे, जो उसके विचार थे, जैसे कि वो उन्हें दूर करना चाहती हो, वहाँ से निकाल फेंकना चाहती हो। इन दैट वे शी रैन हर हैंड थ्रू हर हेयर, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लोली मैडी टॉर इन टू बिट्स, धीरे से मैडी ने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया, द नॉट, उस नॉट को, शी हैड स्टार्टेड, जो उसने शुरू किया था, शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल, और पैगी जो है वो सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली, पसंद की जाने वाली लड़की है इन द होल रूम, उस पूरे रूम के अंदर। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग, दैट वॉज रियली रॉन्ग, और शायद पैगी ऐसा कुछ गलत, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती थी जो कि गलत हो, शी थॉट, उसने सोचा, एंड शी कैंसल्ड दैट प्लान। एज फॉर वांडा, वांडा की बात करें, शी वॉज जस्ट सम गर्ल, वो केवल ऐसी एक लड़की थी हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन साइड, जो कि बॉगिन साइड में वहाँ पे रहती थी, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, जो कि अकेली स्कूल यार्ड में खड़ी रहती थी, उसके पास कोई नहीं रहता था। शी स्केयर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, शायद ही उसने किसी को कुछ कहा होगा। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज, एक अकेला समय जिसमें वो किसी से बात किया करती थी, वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर हैंड्रेड ड्रेसेस, वो केवल उसके हैंड्रेड ड्रेसेस के बारे में होती थी, जस्ट केवल उसी टाइम पे वो किसी से बात किया करती थी या उससे कोई बात किया करता था, बाकी वो किसी से कोई बात नहीं किया करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग, मैडी को याद आया उसके हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, जब वो अपनी किसी एक ड्रेस के बारे में बता रही थी, पेल ब्लू, पेल ब्लू का मतलब होता है, पेल का मतलब होता है वैसे येलो भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब लाइट ब्लू करेंगे बेटा, लाइट ब्लू कलर की विद कलर ट्रिमिंग्स, कुछ
रंग बिरंगी ट्रिमिंग्स के साथ में, एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर, और तब उसे दूसरी याद आई, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन. ब्रिलियंट का मतलब होगा ब्राइट, बहुत ही चमकीली, जंगल ग्रीन ऐसी हरे रंग की, विद ए रेड सैश. सैश का मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक कोई भी वेस्ट बेल्ट कह सकते हो, जो कि वेस्ट के ऊपर कमर के ऊपर बांधी जाती है, ऐसी लेस कोई हो, या कोई कोई स्ट्रिप होगी जो कि कंधों के ऊपर जो लगी होती हैं, इस तरह की जो चीज़ इसमें लगी हो. यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, और तुम उसके अंदर क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगे, द गर्ल्स हैड सेड, लड़कियों ने उसे कहा था, इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. एडमिरेशन होता है, एडमायरेशन नहीं कहते, क्या बोलेंगे इसको, एडमिरेशन. तो क्या है कि एक प्रिटेंडेड का मतलब ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखावे की फॉर्म में, नॉट प्रिटेंडेड एडमायरेशन या एडमिरेशन. हमने क्या कहा था, प्रिटेंडेड का मतलब होता है ऑस्टेंसिबल, दिखावे की. एडमिरेशन का मतलब हो गया कोई भी या तो तारीफ करना किसी चीज़ की, है ना, या तो हम क्या कह सकते हैं, किसी चीज़ की तारीफ, या फिर उसको कह सकते हैं कोई सरप्राइज, क्या बोले इंग्लिश में, वंडर कह सकते हो, है ना, एक ऐसा आश्चर्य की फॉर्म में उन्होंने, या इस ऐसी किसी की तारीफ जो झूठी तारीफ थी, उस ऐसी वे में उन्होंने ऐसे कहा कि आप तो ऐसी लगेंगी. फिर तो थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर हंड्रेड ड्रेसेस, उस थिंक वांडा और उसकी हैंडेड ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, जो कि सभी इस तरह से क्लोजेट के अंदर एक लाइन में लगी हुई हैं, मैडी बिगन टू वंडर. मैडी ने थोड़ा सा आश्चर्य करना शुरू किया, हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग, छोड़ तो नहीं दिया कुछ, हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग, कि ड्राइंग जो कॉन्टेस्ट होने वाला है, ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट जो है, उसे कौन जीतेगा, उसने उसके बारे में अब सोचना शुरू किया. फॉर गर्ल्स, अगर गर्ल्स में से बात की जाए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, कि गर्ल्स में जो ये कॉन्टेस्ट था वो ड्रेसेस को डिज़ाइन करने का था, एंड फॉर बॉयज़, और बॉयज़ के लिए क्या था, ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, बॉयज़ को मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना था. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और शायद पैगी जो है वो गर्ल्स मेडल को जीतेगी. पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी जो थी वो ड्राइंग कर लिया करती थी उस रूस रूम के अंदर, और सभी से अच्छा, और सबसे अच्छा वो वहाँ पे ड्राइंग किया करती थी. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम यही वो, यानी कि यही वो बात थी, दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, जो कि हर आदमी या हर कैंडिडेट वहाँ पे सोच रहा था. शी कुड कॉपी ए पिक्चर, यहाँ तक कि वो केवल एक पिक्चर को कॉपी कर देती थी, बना डालती थी वैसे की वैसे इन ए मैगजीन, जो भी किसी मैगजीन में होती थी उसे वो कॉपी कर लिया करती थी, और सम फिल्म स्टार्स हेड, और किसी भी फिल्म स्टार का चेहरा जो था, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, और इस ऐसा चेहरा, ऐसा अपीयरेंस ये उसका किसी का बना देती थी, जैसे कि कम से कम आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन है. ओह, मैडी वॉज श्योर, कि मैडी जो थी वो श्योर थी इस बात में, दैट पैगी वुड विन, की पैगी ही उसे जीतेगी. वेल, चलो जो भी हो, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, अगले दिन जो टीचर थी वो उसे अनाउंस करने वाले थे कि कौन उसके विनर्स होने वाले हैं, कौन उसके विनर्स हैं. देन दे वुड नो, तब वो जान जाएंगे, जो भी हो चलो छोड़ो, हम कल उसको जान जाएंगे, कहने का मतलब हुआ. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज ड्रिजलिंग, ये हल्की बारिश हो रही थी. देर वॉज लाइट रेनिंग, वी कैन से शॉवरिंग भी कह सकते हो, बौछारें गिरना पानी के ना. मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और जो मैडी एंड पैगी जो थे दोनों ही तेज़ी से, बहुत जल्दी से स्कूल पहुंचती हैं, हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे दोनों वहां पे पहुंचती हैं. नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, और नेचुरल सी बात थी कि ऑन ए डे लाइक दिस, इस दिन के जैसा जो, ऐसा जो दिन है, दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रॉन्स की, वो उस स्पेशल डे के दौरान, उस दिन वांडा पेट्रोस्की का इंतजार नहीं कर सकती थी. ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, याद रखना बेटा, कहाँ इंतजार करती थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन सकता है, ओलिवर स्ट्रीट में वेट करती थी. द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट दैट फार फार अवे, जो बहुत दूर थी, अंडर द रेल रोड, रेल रोड के उस पार ट्रैक्स, एंड अप द हिल, और जो कि पहाड़ी के ऊपर,
लेड टू, जो कि ले जाता था, जो गली, जो ओलिवर स्ट्रीट थी, जो जहाँ जाती थी, लेड टू बॉगिन हाइट्स, जो बॉगिन हाइट्स तक जाया करती थी. एनी वे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बींग लेट टूडे, जो भी हो लेकिन आज के दिन वो लेट होने का चांस रिस्क नहीं ले सकती थी, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो दिन इम्पोर्टेंट था. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? क्या आप सोचते हैं कि मिस मैसन जो है, उनकी टीचर जो है, विल अनाउंस द विनर्स टुडे, कि वो आज उनके कॉन्टेस्ट के विनर को अनाउंस करेंगी? आस्ट पैगी, पैगी ने पूछा. पैगी ने किससे पूछा? उसकी फ्रेंड मैडी से पूछा. ओह आई होप कि हाँ, मुझे तो उम्मीद है. सो ऐसे ही द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे, द टाइम वी गेट इन, हम जैसे एंट्री करेंगे तभी वो बताएंगे शायद, सेड मैडी. मैडी ने कहा, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और उसने कहा कि वास्तव में ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट दैट यू विल विन दिस कॉन्टेस्ट, होप सो, मुझे भी ऐसी उम्मीद है, सेड पैगी ईगरली. ईगरली उत्सुकता से पैगी ने कहा. द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, द टाइम दे एंटर द क्लास, जैसे उन्होंने उस क्लासरूम में एंट्री की, दे स्टॉप्ड शॉर्ट, थोड़ा सा वो पीछे रुक जाते हैं, घुसने से पहले वो रुकते हैं, एंड गैस्प्ड, और वो चौंक जाते हैं. गैस्प का मतलब होता है एक टू ड्रॉ ब्रीथ, सांस को अंदर खींचना, और वो भी किस कारण से? किसी भी शॉक के कारण से, आश्चर्य के कारण से, वंडर के कारण से, सरप्राइज के कारण से. तो ऐसा उन्हें सरप्राइज सा दिख लगा, और उन्होंने वो वहीं पे रुकती है थोड़ी देर के लिए. देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, वहाँ रूम के अंदर, पूरे रूम के अंदर ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स रखी हुई थी, ऑन एवरी लेज. लेज का मतलब क्या कह सकते हो? कि हर एक, ऑन एवरी लेज और शेल्फ, SHELF, जो भी शेल्फ होते हैं उसके ऊपर, यानी कि हर एक उसके ऊपर ये रखी हुई थी. एंड विंडो सिल, विंडो सिल जो कि जहाँ पे विंडो होती है उसके नीचे थोड़ा सा जो स्पेस होता है दीवार का, उसको विंडो सिल कह सकते हो, या उस पर लगी हुई जो भी स्पेस होते हैं. डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब हो गया विच वर लुकिंग वेरी शाइनिंग, वी कैन से डेजलिंग का मतलब बोलेंगे शाइनिंग, शाइनिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट. ब्रिलियंट मीन्स बताया था ब्राइट. लेविस डिज़ाइंस, लेविस का मतलब हो गया एक्स्ट्रा, एक्सेसिव डिज़ाइंस कह सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की गई हो ना, उसको लेविश बोलेंगे. लेविस का मतलब होता है वैसे कि किसी चीज़ को, जैसे कि अनवांटेड, इसमें रिक्वायर्ड कम हो से ज़्यादा किसी चीज़ का अमाउंट का होना, तो उसको बोलते हैं. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स, और वो सभी बनाई गई थी बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर, ऑफ रैपिंग पेपर, रैपिंग पेपर की. देयर मस्ट हैव बीन ए 100 ऑफ देम, और वो जरूर वहाँ पे लगभग सो रही होंगी. ऑल लाइंड अप, सभी एक कतार में, एक लाइन में थे. दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, ये सभी अवश्य ही, जरूर ही कॉन्टेस्ट के लिए ही होंगी. दे वर, अफसोस, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड वेशल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली. हर आदमी जो भी था, एवरीबडी स्टॉप्ड, वहाँ रुकता था, एंड वेशल्ड, और वो वहाँ पे वेशल्स बजाता था खुशी के कारण से. और कुछ मर्मर्ड का मतलब धीरे से कुछ बोलना, मर्मर्ड समथिंग, कुछ भी धीमी आवाज में कुछ बोलना, एडमायरिंगली तारीफ करते हुए से. एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही क्लास वहाँ पे इकट्ठी होती है, मिस मैसन अनाउंस्ड, मिस मैसन ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? द विनर्स, कि कौन कौन विनर्स हैं. जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, जैक बैगल्स ने बॉयज़ का जो जो कॉन्टेस्ट था वो जीता था, शी सेड. एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउट बोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसका जो आउटबोर्ड, जो मोटर का जो बना, उसने बनाया था एग्जीबिशन, वो उस रूम नंबर 12 के अंदर एग्जीबिट किया हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है, अलोंग विद द स्केचेस, और स्केचेस के साथ में बाय ऑल द अदर बॉयज़, और बॉयज़ के जो 12 और 13 के अंदर रखे हुए हैं. बात पॉइंट जो मैं इतना नोट करने वाली है कि बॉयज़ के जो स्केचेस थे रूम नंबर 12 में थे, और जो गर्ल्स के जो ड्रेसेज हैं वो कहाँ रखी हैं? रूम नंबर 13 में रखी हुई हैं. एज फॉर द गर्ल्स, और अगर गर्ल्स की बात की जाए, शी सेड, उसने कहा, ऑल दो जस्ट वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड, हालांकि केवल एक या दो जो स्केचेस थे वो सबमिट किए गए, किसके द्वारा? बाय मोस्ट, ज़्यादातर के, ज़्यादातर एक लड़की के द्वारा, ज़्यादातर जो लड़कियां थी उन सभी ने एक या दो दो करके ही
स्केचेस वहाँ पे सबमिट किए एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। और लेकिन रूम 13 जो है उसे इस बात पे प्राउड करना चाहिए दिस वन गर्ल कि केवल इस एक लड़की ने एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, कि उसने 100 डिज़ाइंस जो थे वो तैयार किए। ऑल डिफरेंट, सब अलग हैं एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी बहुत सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस के ख्याल से अगर देखा जाए, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स, कि कोई भी उनमें से किसी एक को भी अगर देखें, ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि अगर उनमें से कोई एक भी हो तो वो भी कॉन्टेस्ट को जीत सकती है। ऐसे पिक्चर्स उन्होंने हर एक को बनाया है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, और मैं इस बात को कहने में बड़ी खुशी मुझे महसूस हो रही है, दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि वांडा पेट्रोंस्की जो है वो विनर है किसकी, इस मेडल की। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, और दुर्भाग्य से वांडा जो है वो कुछ दिन से स्कूल से एबसेंट है एंड इज़ नॉट हियर, वो यहाँ पे वो नहीं है टू रिसीव द अप्लॉज, इस अप्लॉज को या तारीफ को रिसिया, इस इनाम को हासिल या अटेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं। दैट इज़ ड्यू टू हर, जो कि उसके लिए ड्यू है। लेट अस होप, आइए हम लोग उम्मीद करते हैं, शी विल बी बैक टुमारो, कि शायद वो कल आ जाए। नाउ क्लास, और अभी क्लास के स्टूडेंट से बोलती है, नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड। फाइल का मतलब होता है किसी का गैदर होना, इकट्ठे होना, या फिर मूव करना, वर्ब में मूव करना होता है या इकट्ठा करना भी होता है, दोनों सेंस में यूज करते हैं। तो यू मे फाइल, तुम इकट्ठे हो सकते हो अराउंड द रूम, रूम के चारों तरफ फैल जा, या इधर उधर जो भी रखी हुई पिक्चर उनके पास जा सकते हो, क्वाइटली बिना कोई आवाज़ किए, एंड लुक एट हर एग्जीक्विस्टी ड्राइंग्स, और उसकी जो ये एग्जीक्यूटिव जो ड्राइंग्स हैं, एक्चुअली जो एक्स, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्विजिट बोलते हैं, देखना ध्यान रखना इसका, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सक्विजिट बोलेंगे बेटा इसको। तो एक्सक्विजिट का मतलब क्या होता है, एक्सक्विजिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा शानदार हो, बहुत सुंदर हो। तो उसने कहा कि उसकी जो एक्सक्विजिट जो उसकी ड्राइंग्स हैं, यू कैन सी दैम, देन द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू एप्लॉज, और जो बच्चे जो थे, द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू एप्लॉज, और जो लड़के जो थे, बच्चे जो थे, वो खुशी से चिल्ला उठते हैं, एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, यहाँ तक कि लड़कों को भी एक मौका मिला था अपने पैरों को जमीन पर, फ्लोर पर स्टैम्प करने का, मारने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स, उन्हें अपनी जो उंगलियाँ थी उन्होंने अपने माउथ्स में डाली एंड विशल, और उन्होंने विशल बजाने शुरू कर दिए। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस, हालांकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था उन ड्रेसेज में, लेकिन उन्हें एक मौका मिला शोर करने का, उन्होंने उसको जाने नहीं दिया। दे स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग एट दैट टाइम। लुक पैग, अब विस्पर्ड मैडी, मैडी ने धीरे से बोला, लुक देखिए पैगी, पैगी कैसे बोला उसने इस तरीके से, देयर इज दैट ब्लू वन, देखो यहाँ पे वो वाली जो कहा बताया करती थी ना कि उसके पास ये ब्लू ड्रेस है, वो वाली ड्रेस है, शी टोल्ड अस अबाउट, इजेंट इट ब्यूटीफुल, क्या है ना सुंदर, येस सेड पैगी, पैगी ने कहा, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और यहाँ पे देखो ये उसकी ग्रीन वन, ग्रीन वाली है, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, बॉय जो वर्ड है बेटा ये यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है, किसी के सरप्राइज को शो कर रहा है, ये एक्सक्लेमेशन फीलिंग बिकॉज ऑफ सरप्राइज और विश, किसी की लॉन्गिंग के लिए भी यूज हो सकती है ना, कि का अजीब बात है, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, काश अगर मैं भी इसको ऐसा बना पाती। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, एंड आई होप यू गोट एवरी थिंग इन अ वेरी इजी वे, एंड नाउ यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन एट योर ओन, ऑल्सो यू कैन डिसाइड विच थिंग कैन बी मैंशनड इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर गिवन हेयर। अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक माई वीडियोज, एंड इफ यू हैवेंट स्टिल सब्सक्राइब्ड इट, प्लीज सब्सक्राइब टू गेट द अपकमिंग वीडियोज ऑफ 9th एंड 10th।
English books. So with this, I hope you enjoyed it very much. Though it was a little bit lengthy, I also felt this thing while I was making it. जब मैं इसको बनाया बेटा मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा जा रही, बोर से होने लग गए थे, लेकिन फिर भी स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको इससे ऐसा फील नहीं हुआ होगा. और अभी आप सभी स्टूडेंट्स अपने इसमें चैप्टर से हार्ड वर्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड जो भी हैं उनको अंडरलाइन करें, उनके वर्ड मीनिंग नोट करें एंड ट्राई टू रिमेंबर रिमेमराइज दोज वर्ड्स. ओके, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड टेक केयर. बाय.